पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। दिन का इंतहाई कम मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ, शोरकोट तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M5 मोटरवे मुल्तान से रोड़ी तक बंद। सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इंतहाई ज़रूरत में गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क में शदीद और खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। कराची में आज सर्द हवाएं चलने का इम्कान। बाला इलाकों में भी सर्दी कहर ढाने लगी। गोपस में पारा -6 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान और सिंध में भी सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। गुजरावाला में DC कॉलोनी के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। दो मुसाफिर जहां बहाक, 26 जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा धुंध के बायस पेश आया। बस को हाट से लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन से कबल नून लीग की इंतखाबी मुहिम। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज फारुखाबाद में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। शाहीन ग्राउंड में जलसे के इंतजामात भी जारी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का केस, PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ तफसीली जवाब जमा कराएगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 322 और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 242 सफात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया था। तहरीक इंसाफ ने जवाबात पर अपना जो तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 3 रोज़ की मोहलत तलब की थी। अवाम किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते। जब ये वज़ीर आज़म बनता है तो ज़ालिम बन जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर वार। खैरपुर में जलसे से खिताब में कहा, कल के अदालती फैसले के बाद अब मुल्क में दो जमातें मुकाबला कर रही हैं, एक तीर और दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसता है। मिलकर शेर का शिकार करेंगे। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, घर में घुस कर मारूँगा। इलेक्शन में कामयाबी पर तनख्वाह दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का भी वादा कर लिया। अल्लाह ने नौसरबाज से हमारी जान छुड़ा दी। नवाज दौर में हंसता बसता मुल्क था, फिर एक शख्स ने तबाही मचा दी। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक्तदार में आएगा और तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। ख्वाजा साद रफीक ने मुल्क की बदतरीन इक्तसादी सूरत हाल से खबरदार कर दिया। बोले, मौशी हालात ठीक नहीं, लोगों को भूख, अफलास और बेरोज़गारी का सामना है। सरकार के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं। पीपल्स पार्टी की पंजाब में अब वो पोजीशन नहीं। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल सोले हयात की पेशगोई। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन डे पर वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाना साइंस है। पंजाब की सियासत दूसरी जगहों से मुख्तलिफ है। PTI से कोई मुहैदा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल डार की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, PTI यूटर्न लेने वालों की जमात है। PP रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सियासी नतायज भी होंगे। किसी को ज़बरदस्ती मुसलत किया जाएगा तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। IPP रहनुमा महमूद मौलवी बोले, PTI अदालत में अपनी गलतियों का दिफा नहीं कर सकी, इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके। कराची में PTI का पहला इंतखाबी जलसा, शेरफ जल की मौजूदगी के बावजूद जलसा नाकाम। माजी में कराची से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें जीतने वाली PTI की इंतखाबी मुहिम का इंतहाई मायूस को नागाज। रूपोश मकामी क्यादत कारकुनान को घरों से निकालने में मुकम्मल नाकाम। शेरफ जल मरबत तकरीर में बुलाने वालों के गायब होने का गिला करते रहे। खुरम शेर जमान जलसे में झलक दिखाकर गायब हो गए। मेहमान अदाकार को बुलाकर सूबाई और मकामी क्यादत लापता हो गई। मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, हमने अवाम से सीट मांगनी है, किसी और से नहीं। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं,
ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन सिर्फ एडजस्ट सीटों पर लड़ रहे हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, उसे कंट्रोल नहीं किया तो नाकाम होंगे। 2018 में नए जज्बे के साथ आए थे, पीटीआई अपने मौकफ से हट गई। छिन गया बल्ले का निशान, खिलाड़ी सजाएंगे इंतखाबी मैदान। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में आ गए। इंतखाबी निशान अलॉट, बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक, डॉक्टर यास्मिन राशिद और उमर अयूब को लैपटॉप, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों कुरैशी को चिमटे का निशान मिल गया, शानदाना गुलजार को प्याला, शुएब शाहीन को फाख्ता, लतीफ़ खोसा को अंग्रेजी हरुफ के का निशान अलॉट, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस की बॉल, अलीम आदिल को रैकेट, खुरम शेर जमान को ढोल, आलमगीर खान को बैगन का इंतखाबी निशान मिला, आलिया हमजा को डायस, शेर अफजल मरवत को सारस और शहरियार अफरीदी को बोतल का निशान मिला। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 6 मजीद मुसाफरों में कोरोना की तस्दीक, शहर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। अब तक बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 15 मुसाफरों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। मुतासरा मुसाफरों का कोविड-19 के मुमकिन अलामत के पेश नज़र टेस्ट किया गया था। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक JN1 वेरियंट के 7 मस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क, 5 मकामी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त, कीवीज ने 21 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की तो चल में आया कि रिवायत बरकरार रही, ओपनर्स नाकाम रहे। बाबर आजम 66, फखर जमान 50 रन से स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने 195 रन का हदफ दिया था। तीसरा मैच डनेडिन में बुध को खेला जाएगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान, प्लेइंग 11 से आजम खान और उसामा मीर को बाहर किया जा सकता है। दौरा न्यूजीलैंड पर परदेश में मौजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट के दरमियान मसाइल संगीन नौयत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक सीनियर खिलाड़ियों और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के दरमियान ठन गई। मोहम्मद हफीज़ का कुछ प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स के लिए इजाज़त देने से इनकार तलखी की वजह बना। एशियन कप फुटबॉल के मैच में ईरान ने फलस्तीन को 4-1 से शिकस्त दे दी। फलस्तीन की जानिब से वाहिद गोल करने वाले तैमिर सयाम तवज्जो का मरकज बन गए। उन्होंने इवेंट की तारीख में फलस्तीन का दूसरा गोल स्कोर करके मुल्की फैंस के दिल जीत लिए। चौबीस हजार शहादतें, 60,000 जख्मी, गजा पर हमलों के 100 दिन मुकम्मल। सेहोनी फौज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 135 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने 82 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को भी शहीद किया। इसराइली हमलों में 55% इमारतें, 69% स्कूल तबाह, 19 लाख लोग बेघर हो गए। लेबनान के इसराइल के सरहदी इलाके पर हमले, 2 अफराद तलाक। सरबरा हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्ला कहते हैं कि यमन पर हमला अमरीका और बरतानिया की हमाकत है। अमरीका अगर समझता है कि हम इसराइल का मुकाबला छोड़ देंगे तो ये उसकी गलत फहमी है। कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी का फलस्तीनियों के हिमायत में मिलियन मार्च, अवाम की भारी तादाद में शिरकत। हाफिज नईम रहमान कहते हैं इंतखाब की वजह से फलस्तीन के मसले को पसे पुश डाला जा रहा है। तमाम बड़ी जमातें इंतखाबात में मसरूफ हो गईं। हम इंतखाबात भी लड़ेंगे, फलस्तीन के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को शिकस्त से दोचार किया, इसराइल के नाजायज़ वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइली फौज मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट पर इसराइली टीचर गिरफ्तार। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली टीचर ने गजा में हलाकतों पर इजहार अफसोस और फौजी ऑपरेशन पर तनकीद की थी। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इसराइली टीचर को नौकरी से निकाल दिया गया। इसराइली टीचर ने अपनी पोस्ट में इसराइली शहरियों की कम इल्मी से मुतालिक लिखा। पोस्ट में इसराइली टीचर ने लिखा कि फलस्तीनी भी इंसान है, हमास का हिमायती करार देने पर इसराइली मीडिया मुकदमा करूँगा। रेंजर्स और पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 9 मकवी ट्रक ड्राइवर्स को बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते डाकुओं ने इंडस हाईवे से 9 ट्रक ड्राइवर्स को अगवा किया था। तमाम अफराद को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। डाकुओं के सहूलत कार पहले ही पुलिस की तहवील में है।
डाकू कातलों का रूप धारने लगे। कराची में एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मवाजकोट में डकैती मुजाहमत पर मारे गए नौजवान की शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई। लियाकताबाद इरम बेकरी के करीब डाकुओं ने मुजाहमत पर जैन को सीने में गोली मारकर जख्मी कर दिया। साइट सुपर हाईवे थाने की हदूद में जुल्फिकार नामी शहरी की टांग में गोली मार दी गई। इत्तेहाद टाउन में दो ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में दो अफराद जहां बहा। बोल नेटवर्क का मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की के लिए बड़ा इकदाम। बोल नेटवर्क और पाक लॉन्च डॉट कॉम का इश्तराक, जदीद कारोबार के माहौल को फ़रोग देने के लिए को प्रोडक्शन का ऐलान। पाक लॉन्च पर रियलिटी शो से नए कारोबारियों की महारत में मजीद निखार आएगा। तकरीब से चेयरमैन बोल नेटवर्क और CEO समीर चिश्ती का खिताब। पाक लॉन्च डॉट कॉम के बानी अली फाहद बोले, वो 2030 तक पाकिस्तान के टेक इकोसिस्टम को दुनिया के 10 सफ़े अव्वल ममालिक में लाना चाहते हैं। गेम शो ऐसे चलेगा का हिस्सा कैसे बने। बोल ने मकबूल तरीन प्रोग्राम में शिरकत का तरीका मजीद आसान कर दिया। मीडिया की तारीख में पहली बार रजिस्टर जा सकेगा। बोल के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पेजेस से भी QR कोड के जरिए कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का QR कोड कराची के बड़े मॉल्स में भी डिस्प्ले किया जाएगा। उर्दू के मारूफ शायर मोहसिन नकवी को पिछले 28 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी का शुमार उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है। उन्हें गज़ल आवर्गी से मुल्कीर शोहरत हासिल हुई। मरसिया गोई में भी उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें 15 जनवरी 1996 को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और सीक्रेट एजेंट कैसे जहाज को हाईजैक करेगा। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म एयरफोर्स वन डाउन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।